हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम चो। आई एम सादिया फ्रॉम बीजियंस पैटिसरी। आज की रेसिपी है स्टेन्ड ग्लास कुकीज। कुकीज तो आपने बनाई होंगी, लेकिन उसमें अगर स्टेन्ड ग्लास की शक्ल दे दी जाए तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो आज की जो कुकीज़ मैं बना रही हूँ उसमें बटर कुकीज़ की रेसिपी है। उसमें मैं कट आउट करके और हार्ड कैंडीज डाल के और फिर उसको स्टेन ग्लास बनाऊंगी। आप उसको मेरा प्रोग्राम देखते रहिए तो आपको पता चलता रहेगा कि आगे मैं क्या बता रही हूँ। तो फिर मेरे साथ रहिए और देखते हैं क्या है इंग्रेडिएंट्स। ओके, 130 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर, 100 ग्राम्स ग्रैनुलेटेड शुगर, 1 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड 1 लार्ज एग, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 200 ग्राम प्लेन फ्लावर एंड हार्ड कैंडीज इज ऑप्शनल। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव करने से जो है वो सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक यकजान हो जाते हैं और लाइट हो जाते हैं। उसके बाद हम अनसॉल्टेड बटर 130 ग्राम अनसॉल्टेड बटर को मिक्सिंग बोल में डालेंगे और बीट करेंगे और हम इसकी स्पीड हम जो है लो स्पीड रखेंगे और फिर हम 100 ग्राम शुगर को मिक्सिंग बोल में डालकर उसको बीट करेंगे। शुगर को मिक्सिंग बोल में डालकर बीट करेंगे उसके बाद फिर हम उसमें वैनिला एसेंस डालेंगे और बीट करेंगे। वन बाय वन हम चीज़ें इसलिए डालते हैं ताकि वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। हम वन एग डालेंगे उसके अंदर और उसको बीट करेंगे से और फिर हम एक स्किप करेंगे, उसको स्किप करेंगे चारों तरफ से। प्लेन फ्लोर हम 200 ग्राम प्लेन फ्लोर उसमें डालेंगे मिक्सचर में और फिर वेरी लो स्पीड हम बीटर को चलाएंगे। डो को हम पार्चमेंट पेपर पे निकाल लेंगे, बहुत अच्छी तरह से सारा स्क्रेप करके हम डो को पार्चमेंट पेपर पर निकालेंगे। फिर उसके बाद हम उसको हाफ कर देंगे, हाथों से पहले एक जगह कर लेंगे फिर हम इसको हाफ करेंगे और हाफ को हम आपके फ्रिज में रख देंगे। जब इसका काम हो जाएगा तो फिर इसको तो भी रोल करेंगे। हमने इस डो को अच्छी तरह हम एक जगह जमा कर लिया, इसके ऊपर हमने दूसरा पार्चमेंट पेपर लगा दिया है और उसको रोल कर लिया। रोल कर रहे हैं इसको चारों तरफ से रोल करेंगे, टर्न कर लेंगे पार्चमेंट पेपर को और देखेंगे कि 1/4 इंच थिकनेस उसकी होनी चाहिए। 1/4 इंच थिकनेस होगी तो वो सही हम उससे कुकी का साइज बनेगा। तो रोल करते हुए बस इस बात का ख्याल रखें कि चेक करेंगे, अगर आपको नहीं लग रही तो थोड़ा सा और रोल। और रोल करने के बाद हम इसको हम फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रिज में 30-60 मिनट के लिए रखेंगे और फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए रखेंगे। और दूसरा वाला डो जो है वो भी हम इसके बाद हम दूसरे वाले डो फ्रीज़र से मैंने डो वो पूरा निकाल लिया जो हमने रोल किया था और अच्छा हो गया, ये सही ठंडा हो गया है। उसके बाद हम पार्चमेंट पेपर अलग करेंगे और हम उसको कुकी कटर से काटेंगे। कुकी कटर से अच्छी तरह काटने के लिए हम कुकी कटर को ड्राई फ्लोर में डिप करेंगे, उससे अच्छा रिज़ल्ट आता है।
हम कुकी कटर को ड्राई फ्रो में डिप करके फिर सारे कुकीज़ को शेप काट लेंगे। और इस दौरान हम अपने ओवन को प्री हीट कर लेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अगर आपका ओवन फैन वाला है तो 160 पे भी हो सकता है। उसके बाद हम सारे कुकीज़ को काट के और हम एक ट्रे में डालेंगे और ट्रे में रख कर फिर हम उस पर आगे का काम करेंगे। सारे हमारे कुकीज़ कट गए हैं, इसको हम आराम से अलग करके ट्रे में रखने के बाद हम एक हार्ट शेप का, छोटे साइज का हार्ट शेप जो है उसके मिडिल में, हम कुकी के मिडिल में उसको हार्ट शेप में काटेंगे, एक कैविटी बनाएंगे। इस कैविटी में हम हार्ट कैंडी को क्रश करके इसके अंदर डालेंगे। हार्ट कैंडी को क्रश करने के लिए हमें एक सैंडविच बैग चाहिए जिसके अंदर हम हार्ट कैंडी को रख के और हम रोलिंग पिन से इसको रोल करेंगे तो क्रश हो जाएगा। अगर आपके पास रोलिंग पिन नहीं है तो फिर आप इसे किचन हैमर से भी कर सकते हैं। और जब ये बिल्कुल बारीक हो जाए फिर हम एक छोटे से चमचे से इसके अंदर हम फिल करेंगे। आप किसी भी कलर के हार्ड कैंडीज ले सकते हैं, मैंने पिंक और ग्रीन लिए हैं, इससे आपका फ्लेवर भी आप चेंज कर सकते हैं। जब ये आप अच्छी तरह से इसको सारे इसमें कैविटी फिल करें और फिर उसके बाद एक टूथपिक लेकर इसके किनारे कॉर्नर्स में भी इसको फिल कर लें ताकि चारों तरफ से सही फिल हो जाए और स्टेन ग्लास की बहुत अच्छी शक्ल तैयार आए। बस ये हमने डाल दिया है और उसके हम टूथपिक से इसके कॉर्नर सही करें। और आप ओवन में आप इसको 12 टू 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। 12 टू 15 मिनट में के दरमियान में मिडिल में आप चाहें तो इसकी ट्रे को टर्न भी कर सकते हैं और वैसे 12 टू 15 मिनट में सही ये बेक हो जाता है। बेक करने के बाद आप इसको वायर रैक पे रखें ठंडा करने के लिए 10 टू 15 मिनट के लिए। आई एम बैक with my stained glass cookies. Hopefully you like it. कितने अच्छे लग रहे हैं सारे जो हार्ड कुकी हार्ड कैंडीज थे वो इसमें जाके स्टेंड ग्लास बन गए। तो आपको ये पसंद आए ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा और अपने बच्चों के लिए ये कुकी ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा इसको, किसी पार्टी में ही बना सकते हैं आप। और इसी तरह आप बनाते रहें चीज़ें, मेरी सीखते रहिए और खिलाते रहिए, खाते रहिए, इन्जॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मेरे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। तो फिर चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।